सिनेमा जगत के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार अपने घर वापस लौट आए हैं। जी हाँ, 11 जून के दिन मुंबई के पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल से दिलीप कुमार साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया और तब जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों और दिलीप कुमार के फैंस ने राहत भरी सांस ली है। वेल, दिलीप कुमार साहब इस वक्त अपने घर पर हैं और अपनी सेहत का खास ख्याल रख रहे हैं। उनकी सेहत का हमेशा से ही ख्याल रखती आ रही हैं उनकी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि दो दिन पहले ही जब दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई और उस दौरान सायरा बानो उनका अच्छे से ख्याल रखती हुई देखी गई हैं और दिलीप कुमार साहब को घर ले जाती हुई नजर आई हैं। इसी बीच देखा जाए तो अब दिलीप कुमार से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है दिलीप कुमार की। यह तस्वीर बेहद पुरानी है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बन गई है चर्चा का विषय। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में दिलीप कुमार साहब ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक थ्रोबैक तस्वीर को शेयर किया है और इस तस्वीर में वह नजर आ रही हैं दिग्गज अभिनेत्री नरगिस के साथ। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि सभी दरवाजे के बाहर खड़े होकर पोज दे रहे हैं और इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, Any idea of when and where was this photo clicked? जी हाँ, यहाँ पर पूछा है कि ये तस्वीर कब की है, कहाँ की है, इसका कोई आइडिया है? इस तस्वीर को शेयर किया है दिलीप कुमार के पारिवारिक दोस्त फैजल फारूकी ने। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस ने यहां पर लिखा है कि फिल्म बाबुल के दौरान की ये तस्वीर है, तो वहीं दूसरे ही फैन ने लिखा है कि बाबुल की शूटिंग के दौरान की ये तस्वीर है और साथ ही साथ यहाँ पर दिलीप कुमार के लुक की तारीफ की जा रही है। दिलीप कुमार यहाँ पर नजर आ रहे हैं कोट पैंट में और कैमरे के सामने पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी फैंस ने लिख दिया है चार्मिंग पर्सनैलिटी। इस तरह से दिलीप कुमार के लुक को देखने के बाद फैंस हैरान हैं और उन पर आज भी फिदा होते हुए देखे जा रहे हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीते 6 जून के दिन रविवार की सुबह दिलीप कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी लेकिन जाँच के दौरान पता चला कि दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर गया है। डॉक्टर्स ने दिलीप कुमार का ट्रीटमेंट किया और दिलीप कुमार को वापस घर भेजा है उन्हें ठीक करने के बाद। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दिलीप कुमार 98 साल के हो चुके हैं और बीते कई सालों से उनकी तबीयत भी नासाज है, इसीलिए हमेशा ही उनके चाहने वाले उनके लिए चिंतित होते हुए नजर आते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।